हेलो गाइस, मेक यू जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मूला 10 में आईपीएमटी फंक्शन फॉर्मूला के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आई प्रेस करेंगे। रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल EXEL। ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे, हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। तो ये देख सकते हैं ब्लैंक पर वो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, ओपन हो गया है। तो हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है, देख सकते हैं कि हमारा डेटा पहले से फीड है। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो देख सकते हैं कार प्राइस या वाई प्राइस कोई भी, ये हमारा डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट और हमें इंटरेस्ट रेट 9%, लोन पीरियड 5। हमें इसका क्या लगाना है, आईपीएमटी। कल हमने पीएमटी फंक्शन के बारे में बताया था, इज इक्वल टू पी एम टी, देख सकते हैं पी एम टी। जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो आज फिर से देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे यूट्यूब चैनल का, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, यहाँ पर हम टाइप करेंगे इजुकल टू पी एम टी या फिर हम पहले ये लिखा है कार प्राइस डाउन पेमेंट, तो हमें लोन अमाउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे दे सकते हैं, ये हमारा इसको हम रीड करेंगे। यहाँ पर हम इजुकल टू दे सकते हैं कार प्राइस हमारा 5 लाख रुपए, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए यानी B1 दे सकते हैं, B1 माइनस B2। हम यहां पर फॉर्मूला अब इसको एंटर करेंगे, तो दे सकते हैं हमारा अमाउंट 4 लाख रुपए निकला है। हम क्या करेंगे, पहले हम पीएमटी लगा देंगे, मंथली ईएमआई इजुकल टू पीएमटी, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अभी बोला है रेट, तो रेट हमारा कौन सा है, इंटरेस्ट रेट B5 कोमा लगाएंगे। क्या है B5, हमें क्या निकालना है, हमें एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, तो हम यहाँ पर स्लैश 12 कोमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ पेमेंट, तो पीरियड हमारा ये वाला है लोन पीरियड, तो दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, पीबी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारी है लोन अमाउंट वाली 4 लाख रुपए, तो दे सकते हैं
बी फोर, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम शिफ्ट के साथ कीबोर्ड एंटर प्रेस करेंगे, यानी शिफ्ट के साथ जीरो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, अब एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं हमारा अमाउंट निकल के आ गया है। हम क्या करेंगे, इसको हम जनरल करेंसी में इसको हम जनरल करेंगे, दे सकते हैं ये मास का चिन्ह आ रहा है, यानी कि हमने हमारा पेमेंट कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पीएमटी के आगे यहाँ पर फिजिकल टिक यहाँ पर मास का चिन्ह लगाएंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर से हम जनरल करेंगे। अब देख सकते हैं मास का चिन्ह हट गया है, अब ये डेसिमल आ रहा है, तो इसको हम हटाएंगे, डिक्रीज करेंगे। अब देख सकते हैं 81,809 हमारा क्या निकला है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट। हम क्या करेंगे, हमें 5 साल का निकालना है, ये हमारा 1 साल का निकला है, तो हम 5 साल का निकालेंगे, इज इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, दे सकते हैं B8, B कॉलम 8 हमारा रो हो गया, इनटू स्टार, यानी 1 साल में 12 महीने, तो 60, 5 का 60 यहां पर टाइप करेंगे, 60, एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं हमारा आंसर निकल के आ गया है, ये डॉलर का साइन है, इसको हम हटाएंगे, और ये हमारा फॉन्ट लग के आ रहा है, इसको भी हम हटाएंगे, दे सकते हैं। हम क्या निकालेंगे, आईएमपीटी का मतलब है मंथ का ब्याज, कैसे निकालेंगे, यहां पर हम टाइप करेंगे इजुकल टू आईएमपीटी आईपीएमटी सॉरी आईपीएमटी, देख सकते हैं इस पर डबल क्लिक करेंगे, अब ये हो रहा है रेट, तो रेट क्या है हमारा, इंटरेस्ट P5, तो हमें मंथ 1 साल का निकालना है, स्लैश 12 मंथ, कोमा लगाएंगे, पर पीरियड क्या है, 1 मंथ का निकालना है हमें, तो यहां पर वन टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, अभी बोल रहा है एनपीआर नंबर ऑफ पेमेंट, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेमेंट हमारा क्या है, यानी पीरियड, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे B6, फिर से हम यहां पर इनटू 12 मंथ कॉमा लगाएंगे, पीबी यानी प्रेजेंट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू हमारा लोन अमाउंट, शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में,
एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं हमारा डॉलर में 3000 रुपये शो हो रहा है। हम इसको डॉलर हटाएंगे दे सकते हैं और हम डेसिमल भी डालेंगे दे सकते हैं 3000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा तरीका बताएंगे, वन टू हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम क्या निकालेंगे मंथ, इंटरेस्ट फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इजुकल टू IPMT, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे, रेट रेट हमारा क्या है इंटरेस्ट B5, इसको हम क्या करेंगे लॉक करेंगे, F4 स्लैश मंथ 12 यानी 12 कॉमा लगाएंगे पर मंथ। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे F2 F कॉलम 2 हमारा रो या पहला मंथ लेंगे। अब हम इसको भी कॉमा लगाएंगे हम यहां पर नंबर ऑफ पीरियड यानी नंबर ऑफ पेमेंट, तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे अभी वो रहा है B6 तो इसको भी हम लॉक करेंगे, F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में इनटू मंथ निकालेंगे एक साल का इनटू 12 कॉमा लगाएंगे PB प्रेजेंट वैल्यू हमारा लोन अमाउंट B4 बी कॉलम 4 हमारा रो हो गया, इसको भी हम लॉक करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज यानी 0 कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे देख सकते हैं हमारा आंसर निकल के आ गया है। इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो दे सकते हैं दूसरे महीने का इंटरेस्ट निकल के आ गया है 12 महीनों का सभी का निकल के आ गया है। अब ये डॉलर का चिन्ह है, डॉलर का चिन्ह हमें हटाना है, कैसे हटाएंगे यहां पर जाएंगे और हम करेंसी इस पर हम क्लिक करेंगे या फिर मोर ऑप्शन पर जाएंगे और हम ये जो सिंबल है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर रुपी का इंडियन रुपीस यहाँ सेलेक्ट करेंगे देख सकते हैं हमें रुपए में कन्वर्ट करना है।
देख सकते हैं, सर्च कर रहे हैं हम, निकल गया क्या? इंडिया निकल गया यार, कहाँ गया? ये रहा हिंदी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो देख सकते हैं रुपए में कन्वर्ट हो गया है। अब ये मास का चिन्ह आ रहा है, तो हम कैसे हटाएंगे? मास के चिन्ह हटाने के लिए हम IPMT जो जो लिखा है फॉर्मूला इजुगल टू के, यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे और हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। हम कीवर्ड एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं माइनस का चिन्ह हट गया है। हम इनको इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, तो देख सकते हैं रुपए में कन्वर्ट हो गया है और मास का चिन्ह हमारा हट गया है। हम अगला एग्जांपल शीट टू पर जाएंगे, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, लोन पीरियड 4 साल, 1 लाख का हमें लोन 14% के हिसाब से 1 मंथ इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हम PMT निकालेंगे, इजुकल टू PMT, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, रेट रेट हमारा ये वाला सेल, इंटरेस्ट रेट 14%, बी कॉलम टू हमारा रो हो गया। हम क्या करेंगे, स्लैश मंथ निकालेंगे, 1 साल में 12 महीने, 12 कॉमा NPR, नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ पेमेंट, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, B3 बी कॉलम 3 रो, यहां पर भी हम इनटू 12 मंथ कॉमा लगाएंगे, PV प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए। यहां पर हम पहले हम मास का चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि बाद में हमें चेंज करना पड़ता है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज यानी 0, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं हमारा आंसर राइट निकला है, 2733। हम क्या निकालना है, 1 मंथ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इक्वल टू IPMT, देख सकते हैं फॉर्मूला शो हो गया है, रेट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट B2, यहाँ पर स्लैश यानी डिवाइड 12 मंथ कॉमा लगाएंगे, ये बोल रहा है पीरियड, तो पीरियड हमारा मंथ, तो हम पहला मंथ लेंगे, कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, B3 इनटू 12 मंथ कॉमा लगाएंगे, PV प्रेजेंट वैल्यू इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, लोन अमाउंट को यहां पर हम मास का चिन्ह लगाएंगे पहले से। अब हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज यानी 0, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे,
तो दे सकते हैं हमारा पर मंथ इंटरेस्ट 1167 निकल के आया है। अगर हमें गोल सीख का यूज करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इस सेल को पहले सिलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे। अब ये व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक सेट सेल B5 टॉप वैल्यू हमारा क्या रहेगा, हम अपनी इच्छा अनुसार जैसे 600 रुपये बाई चेंजिंग सेल हमारा कौन सा रहेगा, लोन अमाउंट। ओके पर क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं हमारा आंसर 600 रुपये का पर मंथ इंटरेस्ट तुमने निकाला है। देख सकते हैं लोन अमाउंट भी हमारा चेंज हो गया है। इसको हम कैंसिल करेंगे क्योंकि मुझे इसमें छिड़काई नहीं करनी है, इसको हम कैंसिल करेंगे। लास्ट एग्जांपल हमारा शीट 3। अब हम प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट पीरियड ईएलडी मंथ तो हमें क्या निकालना है, इसका वीकली निकालना है। पहले हम पीएमटी बताएंगे पर मंथ इंस्टॉलेशन के बारे में, पहले हम वीकली लगा रहे हैं, फिर मंथली लगा रहे हैं, क्वार्टरली, उसके बाद हम आईपीएमटी के बारे में बताएंगे। पहले हम वीकली लगा रहेंगे इक्वल टू, यहां पर हम टाइप करेंगे पीएमटी, देख सकते हैं इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, रेट रेट हमारा क्या रहेगा, ये वाला इंटरेस्ट रेट हमें वीकली लगाना है। एक साल में 365 दिन होते हैं तो सप्ताह में 52 दिन, यहां पर स्लैश यानी डिवाइड 52 कॉमा एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पेमेंट या नंबर ऑफ पीरियड। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, पीरियड को 2 साल। अब हमें यहां पर भी हम इनटू 52 दिन 52, अब हम कोमा लगाएंगे, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या है, प्रिंसिपल, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे B1, अभी वो रहा है एफ बी फॉरवर्ड वैल्यू, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से हम कॉमा लगाएंगे, अभी वो रहा है 0 एंड ऑफ द पीरियड। हमें जो कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका पेमेंट हमें वन बिगनिंग ऑफ ऑफ द पीरियड यानी तुरंत, इसमें लास्ट में, तो हम क्या करेंगे,
जीरो लेंगे पहले एंड वाला, इस पर डबल क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं हमारा आंसर कितना निकला है। इस डॉलर को हम हटाएंगे, कॉमा या फिर वहां से भी हम जैसे अभी बताया था उसमें अभी टाइम लगता है, इसलिए हमने यहां से हटा दिया है। और इसको हम अब देख सकते हैं बी के लिए हमारा 1083। हम क्या करेंगे यहां पर, हम इस जीरो की जगह इस जीरो को कैंसिल करेंगे और हम बिगनिंग ऑफ द पीरियड इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब हम चेक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देख सकते हैं हमारा आंसर 1080 यानी 2 रुपए का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जीरो करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं 1083 3 रुपए का अंतर था। अब हम क्या करेंगे, मंथली के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू PMT, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, रेट इंटरेस्ट रेट फिर से स्लैश 12 मंथ। अब हम क्या ले रहे हैं, मंथली, तो एक साल में 12 महीने, कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पेमेंट यानी पीरियड, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे B3 इंटू 12 मंथ। अब हम कॉमा लगाएंगे, PV प्रेजेंट वैल्यू, यहां पर हम मास का चिन्ह लगाएंगे, पहले से लगा लेंगे, और हम प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल B1 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, देख सकते हैं हमारा आंसर 4707। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जनरल में कन्वर्ट करेंगे और हम यहां से डिक्रीज करेंगे, देख सकते हैं 4707। हमें क्या निकालना है, क्वार्टरली यानी तिमाही। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हम मंथली निकालेंगे, यहां पर हम फिर से हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू PMT, डबल क्लिक करेंगे, रेट 12%। अब यहां पर हम स्लैश 12 कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड हमें क्या निकालना है, मंथ। अगर कोई आपसे कहता है 24 मंथ या 36 मंथ, तो हम 24 मंथ निकालेंगे, ये लिखा है, तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं B4 बी कॉलम 4 हमारा रो हो गया, कॉमा लगाएंगे, बी प्रेजेंट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, मास का चिन्ह लगाएंगे पहले से, और हम प्रेजेंट वैल्यू इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस B1 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं हमारा आंसर, इसको हम जनरल में करेंगे कन्वर्ट,
यहां से हम डेसिमल हटाएंगे तो दे सकते हैं हमारा आंसर राइट निकला है सेम 4,707। हम क्वार्टरली निकालेंगे इजुकल टू पीएमटी, यहां पर हम डबल क्लिक करेंगे रेट 12% यानी B2 स्लैश, अभी हो रहा है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में हमेशा चार यानी जो मंथ होते हैं हमारे कितने होते हैं चार, तो यहां पर हम यहां पर फोर टाइप करेंगे कोमा लगाएंगे एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड दे सकते हैं B3 इनटू फोर, क्वार्टरली निकालना हमें तो फोर टाइप करेंगे यहां पर कोमा लगाएंगे माइनस पीबी प्रेजेंट वैल्यू, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं हमारा आंसर डॉलर में शो हो रहा है, तो इसको हम जनरल में कन्वर्ट करेंगे और हम यहां से दे सकते हैं 14,246। अब हम सेमी एनुअली निकालना है यानी छमाई, यहां पर हम इजुकल टू पी एम टी डबल क्लिक करेंगे रेट 12% स्लैश, अब यहां पर हमें क्या निकालना है छमाई, तो यहां पर छमाई यानी टू दे सकते कोमा लगाएंगे नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड हमारा इस सेल को सिलेक्ट करेंगे B3 इनटू टू नंबर ऑफ पीरियड यानी क्या लगाना है स्माइल लगा रहे हैं इसलिए टू कॉमा माइनस पीवी प्रेजेंट वैल्यू, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल को शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड एंटर प्रेस करेंगे देख सकते हैं हमारा डॉलर में आंसर निकला है, इसको हम जनरल में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम डिक्रीज करेंगे देख सकते हैं आंसर हमारा 28,859। हम एनुअली निकालेंगे यानी वार्षिक इजुकल टू पीएमटी डबल क्लिक करेंगे रेट 12% यानी B2, अब यहां पर हम वार्षिक लगा रहे हैं तो हम यहां पर कुछ नहीं लगाएंगे कॉमा लगाएंगे नंबर ऑफ पीरियड, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे B3 कॉमा लगाएंगे पीबी प्रेजेंट वैल्यू, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और हम यहां पर पहले से माइनस लगाएंगे, अब हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं हमारा आंसर राइट निकला है, तो डॉलर को हम जनरल में कन्वर्ट करेंगे और यहां से इसको डिक्रीज करेंगे तो देख सकते हैं हमारा आंसर 69,170। हमें क्या निकालना है मंथ, क्या निकालना है मंथ, यहां पर टाइप करेंगे 1 2, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे दोनों को और हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे
24 देख सकते हैं, 24 मंथ तक हमने सिलेक्ट कर लिया है। हम क्या निकालेंगे, आईपीएमटी। अभी हमने क्या लगाया था, पीएमटी, अब हम आईपीएमटी निकालेंगे, मूलधन का ब्याज। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू आईपीएमटी, देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला शो हो गया है। डबल क्लिक करेंगे, रेट रेट हमारा 12% यानी बी टू स्लैश यानी डिवाइड 12 मंथ। अब हम क्या करेंगे, अब ये हो रहा है पर यानी पीरियड यानी मंथ निकालेंगे। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे पहले हम यहां पर 12 कॉमा, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे मंथ को, यानी ई टू ई कॉलम टू, हमारा टू हमारा रो हो गया। अब ये हो रहा है नंबर ऑफ पीरियड यानी पेमेंट। तो यहां पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं इन टू 12 कॉमा लगाएंगे, पीवी प्रेजेंट वैल्यू दे सकते हैं बी थ्री इन टू 12, सही है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा दिया। अब ये पीवी प्रेजेंट वैल्यू यहां पर हम मास का चल लगाएंगे पहले से। अब हम शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड एंटर प्रेस करेंगे, आईपीएमटी पर मंथ। एक मिनट, ये गलत हो गया है शुरू से, इसको हम कैंसिल करेंगे। आईपीएमटी रेट यानी 12% बी टू स्लैश 12 मंथ। हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, अब ये पीरियड बता रहा है तो मंथ यानी ई टू ई कॉलम टू हमारा रो, कॉमा लगाएंगे नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये वाला सेल P3 इंटू 12 यानी मंथ, ये साल 12 महीने। तो यहां पर कॉमा लगाएंगे, पीबी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारा 1 लाख रुपए प्रिंसिपल। पहले हम यहां पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अब हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा आंसर राइट निकला है, इसको हम जनरल में कन्वर्ट करेंगे, देख सकते हैं 1000 रुपये। हम इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे, देख सकते हैं हमारा आंसर राइट नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है, क्योंकि हमने यहां पर लॉक नहीं किया है, केवल हमने
एक का ही निकाला है यानी ब्रह्मंत्र का निकाला है, इसलिए तो हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर हम इसको यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, देख सकते हैं यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे B2, तो B2 को हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे F4, देख सकते हैं हमने लॉक कर दिया है। अब हम E2 यही रखेंगे, B3 इसको हम लॉक करेंगे, F4 लॉक कर दिया हमने। अब हम B1 इसको हम लॉक करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, यानी कि हमने रेट, पीरियड और प्रेजेंट वैल्यू हमने लॉक किया है। हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, फिर से हम इसको करेंसी को जनरल में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, यहां पर हम अब देख सकते हैं हमारा आंसर राइट निकला है, देख सकते हैं ये जो डेसिमल आ रहे हैं इसको हम यहां से हमने यहां से हटा दिया है डेसिमल को। अब देख सकते हैं ₹1,000 मंथ, पहले मंथ का, दूसरे मंथ का 963, तीसरे मंथ का 925, देख सकते हैं हर एक का मंथ का ये निकल के आ गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।